साल 1952 की फिल्म आन को बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। प्रीमियर लंदन के रियल थिएटर में रखा गया। इस दौरान डायरेक्टर महबूब खान और फिल्म में सेकंड लीड रोल करने वाली एक्ट्रेस मौजूद थी। हॉलीवुड के कई स्टार आए हुए थे, जिनमें से एक थे एरल लेजी थॉमसन फ्लिन, जिन्होंने अंग्रेजी रिवाज के तहत आगे बढ़ते हुए एक्ट्रेस का हाथ चूमने की कोशिश की। तभी अपना हाथ पीछे हटाते हुए वो एक्ट्रेस बोलती हैं, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। इस वाक्य के बाद अगली सुबह लंदन के अखबारों में इस एक्ट्रेस के लिए लिखा गया था, द अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। ये कोई और नहीं अपने दौर की फेमस एक्ट्रेस निम्मी थी। खूबसूरत इतनी कि हर बड़ा एक्टर इनके साथ काम करने को बेताब रहता, चाहे वो दिलीप कुमार हों, राज कपूर या फिर देव आनंद। पर जल्द ही वो बर्बादी की कगार में आ गई। इसकी वजह वो खुद थी। 18 फरवरी साल 1933 यूपी के आगरा में निम्मी का जन्म हुआ। पूरा नाम नवाब बानो। राज कपूर ने जब इन्हें पहली बार देखा तो देखते रह गए। साल 1949 की फिल्म बरसात में ब्रेक दिया और नया नाम भी दिया, निम्मी। लेकिन राज कपूर पहले निम्मी को किन्नी नाम देना चाहते थे, पर ऐसा हो ना सका। इसकी वजह एक्ट्रेस तबस्सुम थी। एक शो में वो बताती हैं कि मुझको घर में सब किन्नी पुकारते थे, ये नाम मुझे राज कपूर ने दिया था। वो कहते थे कि तबस्सुम नाम बड़ा मुश्किल नाम है, मुझे किन्नी नाम पसंद था। एक दिन राज कपूर ने मेरे पिताजी से कहा, मैं अपनी फिल्म बरसात में एक नई एक्ट्रेस लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका नाम नवाब बानो है। नवाब बानो नाम मुश्किल है, इसलिए मैं उसका नाम किन्नी रख रहा हूँ। ये बात सुनते ही मैं दहाड़े मार कर रोने लगी। इसके बाद तय हुआ कि किन्नी सिर्फ मेरा नाम रहेगा, नवाब बानो को निम्मी नाम दिया जाएगा। साल 1952 की फिल्म आन में निम्मी ने मंगला नाम का रोल किया था। जब फिल्म पूरी बनकर तैयार हुई तो फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदने से मना कर दिया। कहा कि निम्मी के किरदार के जल्दी मर जाने से दर्शकों की दिलचस्पी फिल्म से चली जाएगी और कोई फिल्म नहीं देखेगा। इसके बाद डायरेक्टर महबूब खान ने फिल्म के पूरी होने के बाद भी मंगला का ड्रीम सिक्वेंस शूट किया, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म खरीदी। फिल्म आन के लंदन में प्रीमियर के बाद निम्मी को हॉलीवुड के ऑफर आए, पर इन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था कि हॉलीवुड फिल्म में इंटीमेट सीन और किसिंग सीन होते हैं, जिससे मुझे एतराज है। ये वो दौर था जब हर एक एक्टर निम्मी के साथ काम करना चाहता था। वो बड़ी एक्ट्रेस होने के साथ अपने लोगों की मदद के लिए भी खड़ी रहती थी। एक बार जब भारत की ओर से ऑस्कर में भेजी गई पहली फिल्म मदर इंडिया बनाते वक्त महबूब खान पैसों की तंगी से जूझे, ये बात निम्मी के कानों पर पड़ी तो फौरन अपने साड़ी के पल्लू में नोटों का बंडल बांधकर महबूब खान के ऑफिस पहुंची। वहां बैठे मैनेजर से बोली, ये फिल्म जरूर बननी चाहिए, लेकिन प्लीज महबूब साहब को इस बारे में ना बताइएगा कि निम्मी ने रुपए दिए। दो दशक के सफर में करीब 45 से 50 फिल्में ही करने वाली निम्मी हमेशा ही अपनी शर्तों पर काम करती। यही वजह उनके चमचमाते करियर पर भारी पड़ी। उनका स्टारडम धीरे धीरे कम होता गया। दरअसल जब डायरेक्टर हरमन सिंह रवेल साल 1963 की फिल्म मेरे महबूब बना रहे थे, वो एक्टर राजेंद्र कुमार के साथ निम्मी को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन निम्मी फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का रोल करना चाहती। काफी मनाने पर निम्मी नहीं मानी। फिर लीड रोल में एक्ट्रेस साधना को कास्ट किया गया और निम्मी को सेकंड लीड में लिया गया। इस फिल्म के बाद साधना के लिए नए दरवाजे खुले और निम्मी के करियर की गाड़ी धीमे पड़ गई। दो साल बाद ही फिल्में मिलना बंद हो गई। साल 1965 की आकाशदीप उनकी आखिरी फिल्म थी। फिर फैसला किया घर बसाने का। साल 1965 में स्क्रीन प्ले राइटर एस अली रजा से शादी की। दोनों का साथ 42 सालों का रहा। साल 2007 में एस अली रजा का निधन हो गया। वहीं 13 साल बाद 25 मार्च साल 2020 को 87 साल की उम्र में निम्मी ने भी आखिरी सांस ली। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।